लंच में क्या लाए हो? कुछ भी नहीं, मुझे लंच नहीं पसंद। हाँ? वो क्यों? तुम्हें भूख नहीं लगती? पहले तो तुम्हें बहुत भूख लगती थी और तुम्हारी मम्मा इतना ढेर सारा लंच देती थी, बर्गर, नगेट, एप्पल, चिप्स। तो तुम मेरे साथ शेयर कर लो, मैं बर्गर लाया हूँ आज, चिप्स भी है। और थैंक यू यार, लेकिन मुझे भूख नहीं लगी, मैं खेलने जा रहा हूँ। हाँ जी, बात तो सुनो। तुम लंच खत्म करके आ जाना खेलने। अब्दुल हादी, आपको मिस अना बुला रही है। मुझे? जी आपको, आज टेस्ट था ना मैथ्स का, अच्छा नहीं हुआ? हाँ, शायद वो एक समय गड़बड़ हो गई थी। अच्छा जल्दी से आ जाए, ब्रेक खत्म होने वाली है। गुड लक यार। तुम मेरा वेट करना, मैं वापस आता हूँ। ठीक है। डॉक्टर साहब, अगर मसला कुछ ज्यादा है तो मैं हॉस्पिटल में जाके एक्सरे करवा लूँ? मैंने आपसे कहा ना, इसकी जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि फ्रैक्चर नहीं हुआ, मसल्स पुल हुए हैं जिसकी वजह से इन्हें इतनी तकलीफ हो रही है। मैंने आपको जो मेडिसिन लिख के दी हैं, इन्हें 7 दिन तक इस्तेमाल करें और 3 दिन तक इनको बेड रेस्ट चाहिए होगा, बिल्कुल कम्प्लीट। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगी। बाकी उम्र का तकाजा है, इन्हें उठते बैठते वक्त एहतियात से काम लेना होगा। ठीक है, इजाजत दीजिए। जी जी, अल्लाह हाफिज़। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ तक। उस मारी डॉक्टर क्या बोलकर गई? डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी, अब बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ आपको थोड़ी सी तो एहतियात करनी पड़ेगी ना। तू भी बढ़ा गया, हाथ रख ले। अरे बेटा, क्या एहतियात करूं मैं, इबाद और इसके बच्चे के पीछे तो भाग भाग कर पागल हो गई हूं मैं। मेरे जिगर का टुकड़ा है गुड्डू। अरे कैसे दिल जलता है मेरा, दिल करता है कि भाग भाग कर उसके काम करूं, पर नहीं कर सकती। कौन कह रहा आपसे कि आप भाग भाग कर काम करें? आप आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक होनी चाहिए बस, है ना। मैं काम करूंगा ना, मैं कोशिश करता हूँ कोई अच्छी सी मुलाजमा मिल जाए, वो घर का काम कर लेगी। बस रहने दे, चोरनियां होती हैं एक नंबर की, कौन इनकी रखवाली करे। बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी, और ये जो मुलाजमा होती है ना, घर का माहौल भी खराब कर देती हैं। बस अब तो एक ही हल है, तुम शादी कर लो।